दोस्तों, अगर आपको भविष्य के बारे में जानना है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भविष्य कहीं ना कहीं आपके हाथों में ही छुपा होता है, आपके कर्मों में ही होता है। आज हम आपको सब बताएंगे। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। हथेली में भाग्य रेखा को बहुत ही अहम माना जाता है। इसे देखकर भाग्य का पता चलता है। जिन लोगों के हाथ में एक से अधिक भाग्य रेखा होती है वो लोग काफी भाग्यवान माने जाते हैं। ऐसे लोगों को नौकरी, व्यापार, हर जगह सफलता हासिल होती है। अब वो रेखा कहाँ और कैसी होनी चाहिए वो सब हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। यह रेखा हथेली के नीचे का स्थान, जिसे हम मणिबद्ध कहते हैं, वहाँ से शुरू होकर ऊपर की तरफ मध्यमा उंगली पर मौजूद शनि पर्वत तक जाती है। ये रेखा जितनी स्पष्ट और गहरी होती है उतना ही व्यक्ति का भाग्य अच्छा माना जाता है। यदि भाग्य रेखा से शाखाएं निकल रही हो तो ये भी शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों को करियर में अच्छा मुकाम हासिल होता है। इन लोगों के पास धन की कोई कमी नहीं रहती। ऐसे लोग समाज में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। जिन लोगों की भाग्य रेखा सीढ़ी नुमा होकर खत्म होती है, ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं। ये लोग अपने दम पर अपनी अलग पहचान बनाते हैं। जिन लोगों के हाथ पर भाग्य रेखा हथेली के शीर्ष पर आकर खत्म होती है, ऐसे लोगों को नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। यदि भाग्य रेखा जीवन रेखा से प्रारंभ हो तो व्यक्ति खुद ही मेहनत से धन प्राप्त करता है। यदि भाग्य रेखा लहरदार हो तो करियर में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि भाग्य रेखा को अन्य कोई रेखा काट देती है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन कष्टों से भरा रहता है। इन लोगों को कोई भी निर्णय लेने में काफी समय लगता है। इन लोगों का करियर स्थायी नहीं रहता। इन लोगों में चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। यदि भाग्य रेखा शनि पर्वत को पार करते हुए मध्यमा उंगली तक पहुँच जाए तो ये अशुभ माना जाता है। ऐसे लोगों को खुद की गलतियों के कारण हानि उठानी पड़ती है। ये थी हमारी आज की खबर, जिसमें हमने आपको भाग्य रेखा के बारे में बताया है। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द लॉलीपॉप्स पे। और आपके हाथ में कौन सी रेखा है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें।